नमस्कार, मैं अमृता सुतार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ तिरंगा इडली। तिरंगा इडली बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए अपने को जरूरत होगी, पालक लिया है, इसको साफ करके वॉश कर लिया है, अच्छे से धो लिया है मैंने इसको। अब इसको उबलते उबलते पानी में पकन छोड़ देंगे ताकि ये बैठ जाए, बस ज़्यादा नहीं उबालेंगे इसको। लिया है इसको मैंने अच्छे से, एक बिट को मैंने कटिंग करके तैयार कर दिया है। इसको मिक्सी में पीसेंगे अपन, और सूजी, दही, नमक और बेकिंग सोडा दोनों लेंगे अपन। इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। पालक के पत्ते नीचे बैठ गए, गैस ऑफ कर देंगे, ठंडा होने देंगे। इसको भी मिक्सी में पीस लेंगे अपन, बिट को थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। ये बारीक पीस चुका है, अब इस पर थोड़ा सा पानी मिला के अपन इसको छान लेंगे बारीक कपड़ पट्टी वाली छन्नी से, इसका गाढ़ा गाढ़ा कलर हो जाए। इसको अच्छे से चम्मच से प्रेस करके इसका कलर निकाल लेंगे। पालक को लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये पालक पीस के तैयार हो चुका है। अब अगर इसको छानना चाहे तो छानेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रख देंगे। एक बर्तन लेंगे, इसमें करी सूजी डाल दी है आधा के जी, इसमें दही मिला के गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। ये गाढ़ा पेस्ट बन गया है। अब इसको अपन दो बर्तन में ले लेंगे, ये गाढ़ा पेस्ट हो गया, इसको दो बर्तन में ले लेंगे अपन। याद आता इसके अंदर पालक ऐड कर देंगे, ताकि ग्रीन कलर आ जाए अपना। गाढ़ा गाढ़ा पालक डाल दिया है, इसके इसका ग्रीन कलर हो चुका है। इसको थोड़ी देर अब भीगने देंगे सूजी को। इसके अंदर अपन बीट का जूस बना लेंगे गाढ़ा गाढ़ा, इसका कलर चेंज हो जाए ताकि, और भीगने देंगे इडली को। इसको रेड कलर हो चुका, अब इसको भीगने देंगे, पतला बना लिया, थोड़ी देर फूलने देंगे, सूजी फूल जाए इसकी। इसको रख देंगे, इसको भी रख देंगे, लेंगे इसमें दही ऐड कर देंगे अपन, इसको भीगने देंगे, अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। इडली फूल जाए तो इडली अच्छी बनेगी, और पतला गोल रखना इसका। इसमें मिला लेंगे अच्छे से, बना दिया। अब इसमें जरूरत होगी तो पानी ऐड करेंगे, इसको 15 मिनट भिगो के रख देंगे। ये 3 मिनट इडली के गोल तैयार है। अब इसमें नमक ऐड कर देंगे अपन, मैंने 1 टीस्पून इसमें, 1 टीस्पून इसमें, और 1 टीस्पून ये स्वादानुसार डाल सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा मिला देंगे तीनों में, ताकि ये फूल जाए। तो 15 मिनट रखा है, नमक सोडा मिला लिया है, अब ये फूल चुकी है। इडली का गोल तैयार है ना,
और इसका इतना पतला रखना है ताकि सॉफ्ट इडली बने। और आज इडली ओवन में भी बना सकते हैं अपन और इडली कुकर में बना सकते हैं, पर मैं आज ओवन में बनाऊंगी इडली को ताकि जल्दी बन जाए। मैंने ओवन की प्लेट ले ली है, इसमें तीनों की चम्मच अलग रखे, कलर मिक्स नहीं हो जाए। इसको मैं फिलअप कर दूंगी। इस तरह से प्लेट भर लेंगे। ऑन कौन करेंगे इसको, माइक्रोवेव पे करेंगे, 1 मिनट 30 सेकंड करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। इसको अंदर रखेंगे, स्टार्ट कर देंगे। बंद हो चुका है ऑन, इसको प्लेट निकाल लेंगे अपन। बनके तैयार हो चुकी है, ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं इसको। इस थोड़ा सा रेड कलर ले लेंगे तो थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। इसके ऊपर फिलअप करेंगे इसको धीरे धीरे, ऐसे इस तरह से। व्हाइट कलर इस तरह से फिलअप कर दिया, इसके ऊपर आप ग्रीन कलर डालेंगे और इसी तरह से डाल देंगे अपन ताकि छुप जाए व्हाइट कलर। ये तीनों कलर फिलअप हो चुके हैं और 1.5 मिनट के लिए ऑन में रख देंगे। ये बन चुकी है, अब इसको फूल भी गई अच्छे से, इसको निकाल लेंगे इस तरह से। तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। बहुत ही दिखने में सुंदर लग रही है और बच्चे इसको बड़ी शौक से खाएंगे। आप बना के देखें। और मैंने अलग अलग कर से इस तरह से भी बना दी है, आप जैसा पसंद करते वैसा बनाएं। ये दो तरह से मैंने ट्राई कर ली है इडली, और आप भी बना लें और ओवन में 1.5 मिनट रख लें, 1 मिनट 30 सेकंड। और ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। बच्चे बड़े ही शौक से खाएंगे। आप बना पालक और बीट सबके लिए हेल्थी है और अपने को खाना चाहिए, और इसको खिलाने का ये आसान तरीका है पालक और बीट को। आप बनाकर जरूर ट्राई करें, और पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।